पुंछ के सीमावर्ती इलाके में यशन संस्था ने दौरा किया और पाकिस्तान द्वारा की गई शेलिंग में जिन लोगों को नुकसान पहुंचा है उनसे मुलाकात की और उन्हें खाने पीने का सामान भी बांटा। संस्था के अध्यक्ष इम्तियाज सलारिया ने कहा कि पाकिस्तान की नापाक हरकतों की वजह से स्थानीय लोग काफी परेशान हैं और प्रशासन द्वारा इनको कोई भी मदद नहीं मिल पाती है, इसलिए उनकी संस्था ने पीड़ित लोगों की मदद के लिए खुद बीड़ा उठाया है। आपको बता दें कि यशन का मतलब है यूथ एसोसिएशन फॉर सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी एंड नेशन है। इससे पहले भी ये संस्था सीमावर्ती इलाकों का दौरा कर चुकी है और जरूरतमंद लोगों की मदद करती आई है। हम से मशहूर है जो हमेशा वक्तन फोक्तन जहाँ भी कहीं परेशानी हो वहाँ दौड़ते हैं। आज हमारी ये जो टीम थी यशन की आज बॉर्डर इलाका जो खड़ी करवाड़ा में है आज वहाँ हम आए, यहाँ देखा लोग इतने परेशान हैं, यहाँ बच्चे छोटे छोटे बच्चे बेचारे, जितने हमारी तरफ से जो हो सका हमने कोई इनको फूड मटेरियल दिया है इनको। यहाँ कड़माड़ा है, यहाँ उसके बाद अजोट है, दगवाल, सब साइड हमने विजिट किया। आज जो हम लास्ट खड़ी करवाड़ा पहुँचे यहाँ हमने रिलीफ दी है बच्चों को। इतनी परेशान हमने ये बेचारे बच्चे, इनके चेहरे मासूम चेहरे, और ये इतना खौफजदा डर देखा हमने यहाँ पे क्योंकि ये साथ में बॉर्डर है। मैं कहता हूँ बिल्कुल हुकूमत की तरफ से कोई तवज्जो नहीं है, पता नहीं हुकूमत कहाँ सोई हुई है। हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं कह जो बड़े दुख के साथ बोल रहा हूँ, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है जो हमारी पहुँच की, बिल्कुल उन्होंने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। सबसे जो बड़ी बात यहाँ हमें सुनने में आई है, यहाँ जो बेचारे ये कच्चे मकान है, बेचारे गरीब लोग हैं, बच्चे परेशान, इनकी माँ बाप परेशान। पिछले दिनों एक यहाँ पे एक हमारे भाई शहीद भी हो गए, किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी है।